नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के ग्रामीण विकास और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज सुबह गुजरात में गांधीनगर के निकट राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज शाम अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने उद्योग आधारित डिजाइन और विकास के लिए हल्के वजन वाले टैंक सहित 18 प्लेटफार्मों की पहचान की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाई। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने कहा भारतीय छात्र फिलहाल सुरक्षा संबंधी कारणों से रूस न छोड़े। लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट आज से बेंगलुरु में। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है, कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में पंचायत राज प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद में गुजरात महापंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि ग्रामीणों को सशक्त बनाकर ही गांव का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के सर पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है और बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है। और इसलिए जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पूज्य बापू के सपनों के हम सब एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी के जंग में जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहुत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने में गुजरात देश में अग्रणी राज्य है। આજે જયારે હું પંચાયતના આપ સૌ સાથીઓ સાથે મળવા તો મને મોકો મળ્યો છે, એમાં મોટા ભાગે બહેનો છે અને ગુજરાતનું સદભાગ્ય છે, શાયદ દેશ કે લોકો કો પતા નહીં હોગા, ગુજરાત મે પંચાયત વ્યવસ્થા મે પુરુષો સે જ્યાદા પ્રતિનિધિત્વ મહિલાએ કર રહી હૈ। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात समरस यानी निर्विरोध ग्राम पंचायत के लिए भी जाना जाता है। कोविड महामारी के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीणों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत सदस्यों से अपील की कि वे छोटी योजनाओं के जरिए ग्रामीणों के उत्थान का कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। वे राज्य सरकार के लिए नई खेल नीति की घोषणा भी करेंगे। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पार्लियामेंट एक्ट के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान है। इस विश्वविद्यालय का हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस के लिए शिक्षा, संशोधन और तालीम के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। यह संस्थान अपने प्रशिक्षित नागरिक और सुरक्षा फैकल्टी द्वारा श्रेष्ठ व्यावसायिक राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस शिक्षा, संशोधन और तालीम उपलब्ध करवाती है। आज के पदवीदान समारोह में कुल 1090 छात्रों को पदवी दी जाएगी, जिसमें से 13 छात्रों को मानद डॉक्टरेट डिग्री और 38 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इस महोत्सव में पूरे राज्य से 47 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग 500 जगहों पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में उद्योग आधारित डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की परिकल्पना और 2022-23 के केंद्रीय बजट की घोषणाओं के अनुरूप है। केंद्रीय बजट में उद्योग आधारित अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास में बजट का 25% आवंटित किया गया है। मेक वन श्रेणी के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य से 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, हल्के वजन के टैंक और अत्यधिक ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए आवासीय और बुनियादी ढांचा शामिल है। रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 के तहत मेक श्रेणी का उद्देश्य भारतीय उद्योगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आय में वृद्धि के कारण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2030 तक तेजी से 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में 6300 से अधिक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी हैं। आईआईटी बंबई के पूर्व छात्रों की एसोसिएशन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग का संयुक्त मूल्यांकन अगले 3 वर्षों में बढ़कर 150 अरब डॉलर हो जाएगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वृहद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और बहुपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता पर चर्चा हुई। श्रीमती सीतारमण और सुश्री क्रिस्टलिना ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों के बारे में बातचीत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक को अपने आईटी सिस्टम की व्यापक लेखा परीक्षा के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया। एक वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि आईटी ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा के बाद नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। पर्यवेक्षण से जुड़ी कुछ चिंताओं के आधार पर ये रोक लगाई गई है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के ग्रामीण विकास और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज सुबह गुजरात में गांधीनगर के निकट राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज शाम अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने उद्योग आधारित डिजाइन और विकास के लिए हल्के वजन वाले टैंक सहित 18 प्लेटफॉर्म की पहचान की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाई। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने कहा भारतीय छात्र फिलहाल सुरक्षा कारणों से रूस न छोड़ें। लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट आज से बेंगलुरू में।
5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। श्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने तक कार्य करते रहने को कहा है। उधर मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने नया मुख्यमंत्री नियुक्त होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने को कहा है। गोवा मंत्रिमंडल ने कल विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि विधानसभा भंग होने के बाद भाजपा के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें पार्टी नेता का चयन किया जाएगा। श्री सावंत ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय पर्यवेक्षक यह तय करेगा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। इस बीच महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदीन धावलीकर ने कहा कि पार्टी ने भाजपा को बिना शर्त समर्थन दिया है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायक इस बार निर्वाचित हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी गोवा से कृष्ण कुमार लाल। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव नवांशहर जिले के खटकर कलां गांव में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कल रात सुरक्षा बलों द्वारा 3 अलग अलग स्थानों पर चलाए गए संयुक्त अभियान में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलवामा के चेवाकला इलाके में मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादी मारे गए। दूसरे अभियान में गांदरबल जिले के सिरच इलाके में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा से संबंधित एक और आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि हंदवाड़ा के रजवार क्षेत्र के निचामा इलाके में मुठभेड़ में भी लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ के बारे में और जानकारी दी। पिछली रात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर के अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग जगह के ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें 3 ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर्स में तब्दील हुए। एक ऑपरेशन पुलवामा चेवाकला में हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्द मारे गए। दूसरा ऑपरेशन गांदरबल में सर्च गांव में हुआ, जिसमें 1 दहशतगर्द मारा गया। और तीसरा ऑपरेशन हंदवाड़ा के राजवार फॉरेस्ट में हुआ, जिसमें 1 दहशतगर्द मारा गया। कुल मिलाकर पिछली रात 3 एनकाउंटर्स के अंदर 4 दहशतगर्द न्यूट्रलाइज किए गए और बड़ी तादाद में असला और अम्युनिशन उनसे पकड़ा गया। सुरक्षा बलों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाकर होने वाली हत्याओं के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर दिया है। रूस में मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां पढ़ रहे छात्रों को विश्वास दिलाया है कि वो इस समय सुरक्षा संबंधी कारणों से रूस न छोड़ें, क्योंकि वो विद्यार्थियों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। रूस के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों द्वारा प्रवास जारी रखने के बारे में सलाह मांगने के संबंध में भारतीय दूतावास को भेजे जा रहे संदेशों के बाद ये प्रतिक्रिया आई है। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने प्रणय को 21-15, 21-16 से पराजित किया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में खेला जाएगा। दिन रात का यह मुकाबला गुलाबी गेंद से होगा और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों को आने की अनुमति दे दी गई है। बेंगलुरु के खेल मैदान में पहले डे नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए स्टेडियम को सजाया गया है। मेजबान टीम ने श्रीलंका को मोहाली में हराकर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना रखी है। आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के 10वें मैच में भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला हैमिल्टन में जारी है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 26 ओवर में 3 विकेट पर 136 रन बना लिए थे। विश्व कप में यह भारत का तीसरा मैच है। दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हराया था, जबकि पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से पराजित किया था।
वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज अपने दोनों शुरुआती मैच जीत चुकी है। उसने 9 मार्च को इंग्लैंड की महिला टीम को 9 रन से और न्यूजीलैंड को प्रारंभिक मुकाबले में 3 रन से पराजित किया था। और अब आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। लॉन्ग लिव गांधीजी, लॉन्ग लिव गांधीजी, लॉन्ग लिव गांधीजी। 12 मार्च वो ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 1930 में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिन की इस पैदल यात्रा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। दांडी मार्च की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में बहुत ही उत्साह और जोश था। लोगों की भारी भीड़ साबरमती आश्रम के पास एकत्र थी और लोग पूरी रात वहां रुके रहे। गांधी जी ने 78 लोगों का समूह बनाया। पूरे भारत के लोगों का इस समूह में प्रतिनिधित्व था। गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13 और संयुक्त प्रांत केरल, पंजाब और सिंध तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एक एक प्रतिनिधि शामिल हुए। ये विविधता सामाजिक और भौगोलिक दोनों रूप से थी। दांडी मार्च सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग फूलों और शुभकामनाओं के साथ मार्च पर जाने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। रास्ते में यह मार्च अनेक गांवों में रुका जहां गांधी जी ने जन समुदाय को संबोधित किया। गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी गांव पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल को वे समुद्र की ओर बढ़े जहां से उन्होंने एक छोटे गड्ढे में पड़े प्राकृतिक नमक को उठाया। Salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. नमक उठाते ही गांधी जी ने कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। मेरी सलाह है कि लोग हर जगह नमक का उत्पादन करें और गांववासियों से ऐसा ही करने को कहें। गांधी जी के इस आह्वान से देश के अन्य भागों में सविनय अवज्ञा के अनेक कार्यों का शुभारंभ हुआ। गांधी जी धरसाना नमक गोदाम की ओर बढ़े जहां उन्हें गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल में डाल दिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लक्ष्य की तुरंत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन नमक सत्याग्रह का व्यापक और दीर्घावधि प्रभाव पड़ा। विश्व के नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के विधि सम्मत दावे को समझा। यहां तक कि ब्रिटिश राज को भी समझ में आ गया कि भारत पर नियंत्रण अब पूरी तरह भारतवासियों की सहमति पर ही निर्भर है। आज के दिन हम महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण का भी स्मरण करते हैं। कॉलेज के दिनों में यशवंत राव अनेक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और केशव राव जेधे जैसे नेताओं से निकट से जुड़े थे। वे 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों में से एक थे जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के आरोप में 2 वर्ष तक जेल की सजा सुनाई गई। 1944 में उन्हें रिहा किया गया। आजादी के बाद यशवंत राव चौहान अविभाजित बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्यों का गठन हुआ तब वे नवगठित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। यशवंत राव चौहान ने केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। 25 नवंबर 1984 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से यशवंत राव चौहान का निधन हो गया। इस महान नेता को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि।
आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले में देशभर से आए हजारों किसान शामिल हुए। 9 से 11 मार्च तक आयोजित कृषि मेले में तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। मेला तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान विषय पर आधारित था। एक रिपोर्ट। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पूसा कृषि विज्ञान मेले से देशभर के 40,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बताया गया है कि मेले में किसानों को 41 नवोन्मेष पुरस्कार दिए गए, जिसमें आखिरी दिन कल समापन सत्र में 36 पुरस्कार प्रदान किए गए। मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नई दिल्ली में आयोजित किया था। समारोह के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ड्रोन तकनीक, सटीक खेती, गेहूं की किस्मों, फल, सब्जियां, फूल, कृषि मॉडल प्रदर्शित किए और किसान सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराई। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 15 से अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम और विशाखापत्तनम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल, अगरतला और गैंगटॉक में आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद सरकार गठन की वैधानिक गतिविधियों को आज लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 2022 का जनादेश 2024 के लिए संदेश। पंजाब में सरकार गठन पर दैनिक ट्रिब्यून ने बॉक्स में लिखा है, मार्च 16, मान के हाथ कमान। वीर अर्जुन ने लिखा है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा खो देगी कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, कांग्रेस को हो सकता है नुकसान, 5 सीटें आपको जाएंगी। हरिभूमि ने कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में सुखबुगाहट शीर्षक दिया है। हिंडन हवाई अड्डे पर यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीय स्वदेश पहुंचे, ये खबर राष्ट्रीय सहारा ने चित्र के साथ पहले पन्ने पर दी है। हरिभूमि ने भारत चीन के बीच वार्ता के संदर्भ में लिखा है, जल्द विवाद खत्म करने की मांग उठाई भारत ने। जनसत्ता ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान ने कहा भारत से आई मिसाइल उसके हवाई क्षेत्र में पहुंची। भारत ने बताया, दुर्घटनावश गिरी मिसाइल, कहा खेद है। नवभारत टाइम्स की खबर है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर बंदिश, नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकेगा बैंक। अमर उजाला की खबर है, देशभर में आयकर विभाग के कार्यालय करदाताओं की सुविधा और शिकायतों के समाधान के लिए इस महीने के सभी शनिवार को खुले रहेंगे। दिल्ली में निगम चुनाव पर आम आदमी पार्टी और भाजपा में तकरार की खबर पर हिंदुस्तान लिखता है, आपका वार, भाजपा का पलटवार। राजस्थान पत्रिका ने पहले पन्ने पर ब्रिज की लठमार होली का सिलसिला शुरू होने पर लिखा है, देश विदेश से लोग मथुरा और बरसाना पहुंचने शुरू हुए। पत्र ने चित्र के साथ लिखा है, ग्रामीणों की लाठियों से बरसा प्रेम रंग। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आगामी 26 अप्रैल से शुरू होने को लोक सत्य ने महत्व दिया है। और समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के ग्रामीण विकास और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज सुबह गुजरात में गांधीनगर के निकट राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन
राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज शाम अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने उद्योग आधारित डिजाइन और विकास के लिए हल्के वजन वाले टैंक सहित 18 प्लेटफार्मों की पहचान की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाई। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने कहा, भारतीय छात्र फिलहाल सुरक्षा कारणों से रूस न छोड़ें। लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट आज से बेंगलुरु में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।